साउथ के जाने माने निर्देशकों में से एक एसएस राजामौली की बात करें तो हालिया में उनकी फिल्म रिलीज हुई है ट्रिपल आर, जो काफी मायनों में खास है। ये फिल्म अपने बिग बजट और अपनी स्टार कास्ट के लिए भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी गई थी और सभी लोगों को लगा कि शायद ये फिल्म आने वाले समय में कई सारी बड़े रिकॉर्ड को भी ध्वस्त कर देगी और ऐसा हमें दिखाई भी दे रहा है। मिली जानकारी के अनुसार हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि ट्रिपल आर का पहले दिन का कलेक्शन सामने आ गया है और पहले दिन का कलेक्शन काफी ज्यादा शानदार रहा है। जाने माने फिल्मों के ट्रेंड एनालिस्ट रमेश बाला की ट्वीट के मुताबिक पहले दिन जो ट्रिपल आर ने हिंदी दर्शकों के बीच में जो कमाई की है वो करीब 18 करोड़ रुपए के आसपास है। वहीं दूसरी ओर तेलुगु स्टेट्स की बात करें तो यहां पर जो फिल्म की कमाई है उसे जानकर आपके पैरों तले जमी खिसक जाएगी। जी हां, रमेश बाला के ट्वीट के मुताबिक पहले दिन तेलुगु स्टेट्स में ट्रिपल आर की कमाई जो हुई है वो करीब 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की है, यानी कुल मिलाकर पहले दिन का कलेक्शन करीब 118 करोड़ रुपए के आसपास हुआ है। जाहिर सी बात है, ये फिल्म आने वाले दिनों में अपने सफलता के झंडे गाड़ेगी और हो सकता है कि बाहुबली 2 का भी रिकॉर्ड ये फिल्म ध्वस्त कर दे। एसएस राजामौली की ये फिल्म है और ये फिल्म काफ़ी मायनों में खास है। जिस हिसाब से फिल्म पर पानी की तरह पैसा बहाया गया है, उस हिसाब से ये फिल्म आने वाले समय में एक नया कीर्तिमान स्थापित जरूर कर लेगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएस राजामौली अपनी क्लासिक फिल्मों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। बाहुबली सीरीज करने के बाद ये उनकी अगली फिल्म रही है और ये फिल्म भी काफ़ी मायनों में खास है क्योंकि क्रिटिक्स इस फिल्म को पहले ही अपना थम्सअप दे चुके हैं। 5 में से 4 स्टार इस फिल्म को पहले ही बॉलीवुड के जाने माने ट्रेंड एनालिस्ट तरण आदर्श ने दे दिया है और पहले दिन का कलेक्शन देखने के बाद आप भी इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि पहले दिन अगर इस फिल्म की कमाई करीब 118 करोड़ रुपये कर ली है तो आने वाले समय में इस फिल्म के कलेक्शन में और भी ज़्यादा इजाफा देखने को मिलेगा क्योंकि वीकेंड के मौके पर फिल्म को रिलीज किया गया है और दर्शकों की भारी संख्या अब सिनेमाघरों की तरफ रुख कर रही है। अब जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसएस राजामौली की इस फिल्म में साउथ के 2 बड़े सुपरस्टारों ने काम किया है, जूनियर एनटीआर और रामचरण। इन दोनों ही कलाकारों के किरदार को फिल्म में काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर हिंदी सिनेमा के भी 2 बड़े कलाकार इस फिल्म में नजर आ रहे हैं, अजय देवगन और आलिया भट्ट। हालांकि इन दोनों कलाकारों का इस फिल्म में बहुत ही थोड़ा सा किरदार है, लेकिन सबके बावजूद बॉलीवुड का भी तड़का साउथ की इस फिल्म में लग चुका है। दोस्तों, ट्रिपल आर की पहली कमाई तो आपने जान ली है। अगर आपने भी अगर ये फिल्म देखी है तो हमें नीचे दी गए कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर लिख भेजें कि आपको ये फिल्म कैसी लगी।